हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम राइटर में। आज हम कर रहे हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6, लाइनर इनइक्वलिटीज, रैखिक असमीकाएं। तो रैखिक असमीकाएं क्या होती है दोस्तों, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है रैखिक असमीकाएं क्या होती है। कोई सी भी पहली बात तो आती है समीकरण। तो समीकरण वो होती है जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जीरो, कुछ भी हो सकती है समीकरण जिसमें ये बराबर वाला इक्वल वाला होता है उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, इक्वल वाला साइन है तो हम कहेंगे इक्वेशन। और इनइक्वलिटीज मतलब उसके अंदर या तो ग्रेटर देन, लेस देन, या ये चारों साइन होंगे, इक्वल टू नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर वन करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है हमारा 4x + 3 6x + 7। ठीक है, 4x + 3 लेस देन 6x + 7, मतलब ये जो है इससे छोटा है, मतलब जो छोटा वाला है मुंह वो छोटा और जो बड़ा वाला मुंह है वो बड़े को दर्शाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, इसमें हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो 4x + 3 6x + 7, 3 को हम उधर भेज देंगे, 6x + 7, 3 प्लस था उधर रख के होगा माइनस हो गया, 4x 6x कितना हो गया प्लस 4, इसको इधर भेजेंगे, ये प्लस का 6x है, इधर आके माइनस का 6x हो जाएगा, प्लस 4x हो गया 4 हो गया। अब आते हैं माइनस 4x में से प्लस 4x क्या, माइनस 2x, ये बराबर नहीं आएगा, केवल ये आएगा 4। अब देखो यहाँ चक्कर पड़ता है दोस्तों, यहाँ तक अपन जब भी अपन इधर से उधर भेजते हैं तो नॉर्मल में हम प्लस और माइनस में भेज सकते हैं, प्लस का है उधर माइनस कर दो, माइनस का है प्लस कर दो। पर जब मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो तब बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मल्टीप्लाई में, डिवाइड में अगर नॉर्मल भेज रहे हैं, मान लो अभी यहाँ पर क्या है, केवल हम 2 को भेजेंगे, मान लो एज एग्जाम्पल केवल हम 2 को भेजेंगे, माइनस ही रखेंगे, तो माइनस एक्स 4/2 हो जाएगा। पर क्या होता है अगर हम इस माइनस को भी उधर भेजते हैं ना दोस्तों, तो क्या होता है ये चिन्ह बदल जाता है। जब भी हम माइनस को इधर से उधर या उधर से इधर भेजेंगे मल्टीप्लाई में या डिवाइड में तो वो चिन्ह बदलेगा। तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, -4/2 क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन -2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब अगला करते हैं -12 लेस देन 4 -3x / -5। अब देखो ये -5 है, इसको नॉर्मल करेंगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो गया हमारा -12 4 + 3x / 5। ये काय का है, प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 12 और माइनस का 4 माइनस का 16 = 3x / 5। 5 काय का है, प्लस का है, इसको इधर भेजेंगे डिवाइड में, इधर का मल्टीप्लाई होएगा, बराबर नहीं है ये, तो ये प्लस का है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो 16 × 5 हो जाएगा, 3x ही सही, माइनस पहले से ही सही, 16 × 5 = 80, 3x हो जाएगा। अब देखो ये 3 प्लस का है, इधर को इधर भेजेंगे मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो एक्स इज ग्रेटर देन -80/3। ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर। करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। रवि ने पहली दो एकक में 70 और 75 70 और 75 नंबर लिए हैं, फर्स्ट बार में कितने लाया वो 70, एंड सेकंड में लाया है 75। अब कह रहा है वह न्यूनतम कितने अंक प्राप्त करें कि तीसरी एकक में पार होकर उसके 60 अंक का न्यूनतम औसत हो जाए, औसत वो भी कितना, न्यूनतम न्यूनतम औसत कितना होना चाहिए उसका, 60 होना चाहिए। तो फर्स्ट में तो वो 70 ले आया, दूसरे में 75 ले आया, अब तीसरे में कितने लाएगा, उसका एवरेज कितना हो जाए, मिनिमम 60 है, मतलब 60 से ज़्यादा चलेगा उसके, 60 से कम नहीं चलेगा। तो देखो पहली बात तो एवरेज कैसे निकालते हैं, माना अपन ने तीसरी बार में कितने लाया, थर्ड बार में लाया एक्स लाया, तो एवरेज क्या हो जाएगा 70 + 75 + x / 3, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये क्या होता है औसत होता है ना, और मिनिमम होना चाहिए, बड़ा इधर ये बड़ा हो सकता है, छोटा इधर, क्योंकि कम से कम कितना होना चाहिए 60 तो होना ही चाहिए, तो 60 कम से कम कितना है 60, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो कम से कम अपन को अब एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो 75 और 70, 7 × 14 145 हो गया, ये 145 + x 360। तो कोई 3 डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, माइनस का नहीं है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 × 18। अब देखो
145 प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 145। तो x 180 माइनस 145, 180 में से 145 गए तो, 180 में से 140 गए तो 40 बचे, 40 में से 5 गया तो 35 बचे। मतलब उसको कम से कम उसको, ये छोटा है ना इधर, तो कम से कम उसको 35 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, तब जाकर उसका एवरेज कम से कम 60 रहेगा। ठीक है, ऐसे हम बाकी बहुत सारे कर लेंगे, और क्वेश्चन है सारे अलग अलग टाइप के दोस्तों, और आपके इससे पहले भी मैंने बना रखी है, ये 6th नंबर की, इससे पहले 5 और बना रखी है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनमें से क्वेश्चन ऐसे बना रखे हैं ताकि दोस्तों आपकी पूरा एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाए, और आपके जो आप प्लांट ऑपरेटर का हो या कोई भी एग्जाम हो उसमें आप सीधे एग्जाम दे, तो आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी पड़े, आप केवल 10-15 क्वेश्चन करके ही आपका पूरा रिवाइज हो जाए। ठीक, अगला करते हैं, 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे योग ज्ञात करो जिनका योगफल 11 से अधिक हो। क्रमागत विषम संख्याएं, विषम संख्याएं आप जानते हो जो 1, 3, 5 इनमें 2 का भाग नहीं जाता है, तो 10 से कम होनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं एक विषम संख्या क्या मान, x 10 से कम, तो ये 10 से कम मैक्सिमम कितना हो गया, 10 हो गया, 10 से कम होनी चाहिए, पहली कंडीशन फुलफिल होगी। युग्म मतलब x है, जैसे मान लो 1 है, तो 1 के बाद क्या आएगा, डायरेक्ट 3 आएगी, 3 के बाद 5 आएगी, तो इसके जो पहली वाली है उसके अंदर 2 जोड़ेंगे तो अगली वाली विषम संख्या आ जाएगी क्रम वाली, तो x फर्स्ट है तो सेकंड वाली क्या हो जाएगी, x प्लस 2 हो जाएगी ना। तो अब युग्म ज्ञात करो जिनके योगफल कितने हैं, 11 है, तो पहली संख्या क्या मानी हमने, x है, दूसरी संख्या क्या होगी, x प्लस 2, दोनों को जोड़ दिया, अधिक से 11 से अधिक होना चाहिए, मतलब कम से कम 11 तो होनी चाहिए, कम 11 की तरफ, क्योंकि कम से कम 11 तो होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होगा भी कभी चलेगा, तो x और x 2x प्लस 2 11, तो 2x प्लस का उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 11 में से 2 गए तो 9 बचा, तो x क्या हो गया 9/2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 4.5 आएगी, 4.5 को कम करके मैं 4 लिखूँगा तो 4 तो क्या विषम संख्या होगी, तो मैं इसको 5 ले लूँगा, तो क्या आ गया x इज ग्रेटर देन, मतलब कम से कम 5 तो होना ही चाहिए, क्योंकि इक्वल टू में भी आ जाएगा बराबर में, क्योंकि ग्रेटर देन में तो क्या आ रहा है, केवल 4.5 आ रहा है, ये तो क्या आ गई, इससे बड़ी आ गई ना, तो हमारे पास संख्या क्या क्या आ गई, 10 से छोटी होनी चाहिए और 4.5 से बड़ी होनी चाहिए, तो 5, 7 और 9 आ गई विषम संख्या। अब क्रमागत दो चीज़ क्या बन जाएगी, या तो 5 और 7 आंसर आ जाएगा, 7 और 9 दो हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, अब अगला करते हैं, क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें प्रत्येक 5 से बड़े हो तथा उनके योगफल 23 से कम हो। तो ये सिंपल ही है, प्रत्येक किससे बड़ी हो, 5 से बड़ी हो, तो हम मान लेते हैं क्रमागत सम संख्या है, तो भी हमने मानी कि पहली संख्या क्या मान ली, x है, 5 से बड़ी है, ठीक है, तो बड़ी है 5 से, तो 5 कम से कम 5 से बड़ी है, ठीक है, उनका योगफल कितना है, 23 है, 23 से कम है दोस्तों, 23 से कम है, योगफल पहली वाली x है तो दूसरी वाली क्या हो जाएगी, x प्लस 2 हो जाएगी, वैसे वैसे योगफल वैसे ही कर लेते हैं हम, x प्लस 2 23 से कम, मतलब मैक्सिमम कितना है 23, x और x 2x प्लस 2 23, 2 उधर जाएगा 23 माइनस 2 21, 2x 21, x 21 डिवाइड बाई 2 10.5 आ गया, 10.5 से छोटी होनी चाहिए, 10.5 से छोटी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 5 से अपन को बड़ी चाहिए, तो 5 से बड़ी है तो क्या हो जाएगी, 6, 8 और 10 आ ही रही है, तो हमारे पास दो युग्म बन जाएंगे, 6, 8 और 8, 10।